श्रीलंका सीरीज में टीम इंडिया ने दिखाया है अपना कमाल। पहले T20 और अब वनडे सीरीज को अपने नाम करके भारतीय टीम ने किया है नए साल का दमदार आगाज। हालांकि अभी भी रोहित ब्रिगेड के पास एक आखिरी वार करने का मौका, जहां एक ऐसा प्रहार से लंका का होगा सुपड़ा साफ और भारत करेगा क्लीन स्वीप के साथ मिशन 2023 का धमाकेदार आगाज। लेकिन क्या सीरीज अपने कब्जे में करने के बाद होगी टीम में सूर्य कुमार और ईशान किशन की एंट्री? क्या अर्शदीप सिंह को मिलेगा मौका? क्या तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारतीय कप्तान एक्सपेरिमेंटेड मोड में आएंगे नजर? क्या हो सकती है भारतीय टीम की तीसरे वनडे की प्लेइंग 11? इस रिपोर्ट में हम देंगे आपको पूरी जानकारी। मिशन 2023 के मद्देनजर भारतीय टीम नई साल की धमाकेदार शुरुआत की है, जहां रोहित शर्मा की अगुवाई में भारत ने श्रीलंका की पहली चुनौती को बड़े आराम से पार कर लिया है। उम्मीद के ही मुताबिक तीनों मैचों की वनडे सीरीज के पहले दोनों मुकाबले में लगभग एक तरफा अंदाज में टीम इंडिया से श्रीलंका को हराया। श्रीलंका सीरीज में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले से भी लंबे अरसे बाद रन निकले। वहीं गिल ने भी पहले वनडे में शानदार पारी खेलकर मौके को भुनाया। इसके अलावा विराट कोहली का प्रचंड फॉर्म जारी है, जबकि इससे पिछले मुकाबले में केएल राहुल ने भी एक मैच विनिंग पारी खेलकर टीम इंडिया में अपनी जगह को जस्टिफाई किया है। उधर गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज और युवा उमरान मलिक बार बार अपने परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस कर रहे हैं। इसके अलावा कुलदीप यादव ने भी चहल को लेकर शानदार गेंदबाजी से एक बार फिर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और टीम में अपनी उपयोगिता साबित की है। हालांकि इन सबके बीच टीम इंडिया में कुछ कमियां भी नजर आई हैं, जहां पहले वनडे में भारत 206 पर 8 आउट करने के बाद श्रीलंका को दूसरी पारी में ऑल आउट नहीं कर पाया, उसने आखिरी 10 ओवर में भी भारतीय टीम के गेंदबाजी पर सवालिया निशान खड़े किए। वहीं पिछले मुकाबले में केवल 216 के लक्ष्य को भी भारतीय टॉप ऑर्डर ने खुद के लिए मुश्किल बना लिया था। हालांकि बावजूद इसके टीम इंडिया पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज जीत चुकी है और अब तीसरे और आखिरी मुकाबले में कई खिलाड़ियों को परखने का एक बेहतरीन मौका कप्तान और टीम मैनेजमेंट को मिल चुका है। आपको बता दें, फिलहाल श्रीलंका सीरीज में सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह जैसे जबरदस्त क्रिकेटर बेंच पर बैठे नजर आए हैं, लेकिन आखिरी वनडे में इन खिलाड़ियों को टीम में मौका दिया जा सकता है। अगर तीसरे और आखिरी वनडे के लिए भारत की प्लेइंग 11 पर एक नजर डालें तो भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के साथ इस मुकाबले में ईशान किशन को बतौर ओपनर शामिल किया जा सकता है और पहले दो मुकाबले में ठीक ठाक प्रदर्शन करने वाले गिल को आराम दिया जा सकता है। वहीं पर विराट कोहली का पिछला मुकाबले में खामोश रहा था, लेकिन पहले मुकाबले के करिश्मे को किंग कोहली आखिरी मैच में भी दोहराना चाहेंगे। वहीं पर मिडिल ऑर्डर में श्रेयस अय्यर की जगह सूर्य कुमार यादव को मौका देकर उन्हें भी आजमाया जा सकता है। अभी तक T20 के धमाके को सूर्या वनडे में दोहराने में नाकाम हुए हैं, ऐसे में सूर्या के लिए इस फॉर्मेट में खुद को साबित करना सुनहरा अवसर हो सकता है। इसके अलावा केएल राहुल अपनी शादी के सिलसिले में ब्रेक पर जाने से पहले एक और शानदार पारी खेलना चाहेंगे। वहीं हार्दिक पांड्या के फिटनेस को ध्यान में रखते हुए वह भी आखिरी मुकाबले में आराम कर सकते हैं और उनकी जगह ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर को भी गेम टाइम दी जा सकती है। वहीं अक्षर पटेल की जगह प्लेइंग 11 में बनी रहेगी। गेंदबाजों में सिराज और उमरान की जोड़ी अब तक श्रीलंकाई बल्लेबाजों पर कहर बरपाती नजर आई है, लेकिन शामी इंजरी के बाद अब तक काफी फ्लैट नजर आए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को ध्यान में रखते हुए मोहम्मद शमी को आराम देकर युवा बाएं हाथ के तेज गेंदबाज और शदीप सिंह को भी 11 में शामिल किया जा सकता है, जबकि पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच कुलदीप यादव अपने उसी करिश्मे को आखिरी मुकाबले में भी जारी रखना चाहेंगे। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से किन खिलाड़ियों को आखिरी वनडे मौका मिलना चाहिए, हमें अपने जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।